महाराज आप तो सब पूज्य जन हो, आप तो पूज्य जन, आप तो पूज्य जन हो, क्या सेवा करें आपकी। आओ भाग्य। सुनो, 11 रुपया इनको दो, ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। अरे अरे आप ना लो, आप ठाकुर जी को भोग लगा, आप हमारे प्रभु के पार्षद हैं, आप कृपा करके आए तो। कल तो मैंने चमत्कार देखो, मेरी माता जी कल करंट मारो और हमें एकदम विचलित है गई, पर जैसे ही आपको नाम नहीं हो, गिरिराज जी को नाम नहीं हो तो बिल्कुल स्वस्थ है गई बेटा। और ये तो मतलब वो है वो कि मन में ऐसी पीड़ा है गई मेरी माता जी को, मैं अकेले बैठा हूँ, पर कल देख के मैंने पूछी रूप देखो कि मैं कहना सकता, कल ऐसी लीला देखी है कि मैं आके रात पर मैं कहना सकता। और एक निवेदन जरूर करना चाहूँ कि एक बार आप गिरिराज जी पधारो। अरे हमारा सौभाग्य, चेतन बाबा ने मुझे कही कि अंशु तुम जाओ दर्शन करके आएंगे। जी जी, चेतन बाबा परिक्रमा करें था। जी जी, फिर नहीं आते। अच्छा हाँ, फिर मुझे कही कि तुम जाओ, अभी अब मिले तो हमारा कोटि कोटि। हाँ नहीं, रोज मिलते हैं, मैं रोज उनकी सेवा में हो जाती है। बहुत अच्छे, हाँ बहुत। उन्होंने कहा कि तुम जाना, मेरी नाम लीला अंशु और हम लोग सब आपकी सेवा में। आप बोलना कि बाबा का आपके चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे थे और कहे थे ऐसी कृपा करो कि हम दर्शन आपके करने आवे। मैं चाहूंगा एक बार आप हमारे गिरिराज जी आए। हाँ जरूर, और गिरिराज बाबा को खूब छत्र आप पे बना रहे और आपको आशीर्वाद हम सबने बना रहे। जय उपना आप ब्रज जल की जय हो, मेरे भगवत पार्षद की जय हो। ये सबको माला, ये हमारी श्री जी के प्रसादी माला है, लाडली जी की प्रसादी वाला है जी। मैं तो बस निवेदन बार बार करूंगा गिरिराज जी, जी अवश्य अवश्य, हमें ऐसा मौका मिले एक बार आपकी सेवा करें। ये हमारे जो ब्रजवासी हैं वो हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं, उन्हीं का अन्न खाकर हमें जो कुछ मिला है सो मिला है। हमारी ये भिक्षा वृत्ति बरसाना, नंदगांव, गिरिराज जी, आसपास सुनरक, यही हमारे जीवन आहार रहे। इसमें जो खून है ना वो ब्रजवासियों का है, उसी से, उसी का प्रभाव है। ये जो हमारे अंदर जो कुछ भी दिखाई दे रहा हो आपको, ये आपके ही अन्न का प्रभाव है, आपकी चरण रज का प्रभाव। हमको ऐसे तपस्वी ले है, आप सब ब्रजवासियों के दुलार से हमारी उन्नति है, बस इतना समझ लीजिए। ये भगवान जी प्रभाव चलती रही।